सैमसंग गैलेक्सी A52 5G फाइनली ऑफिशियल पेज में सैमसंग के लीक निकल के आ चुकी है, लीक के आ चुका है सामने। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है। आज का वीडियो गाइस, का यहाँ पे स्टार्ट, सैमसंग का A52 5G जो है वो आपको यहाँ पे फाइनली मतलब ऑफिशियल अब कुछ खबरें आने लग गई हैं। और जैसा ये होता रहा कि भाई सैमसंग वेबसाइट पे आ रहा है, मतलब इसका मतलब है भाई जो लॉन्च है वो बहुत ज़्यादा नियर है। तो इस पर बात करूंगा वही, सबसे पहले बात कर दो स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बिल्ड डिज़ाइन में आते हैं, तो यहाँ पे बिल्ड डिज़ाइन आपको A52 5G में अच्छा देखने मिलेगा, जैसा A52 4G में मिला था वैसे ही मिलेगा। लुक मुझे अच्छा लगा है और डिज़ाइन में अच्छा दिखता है, कलर्स भी अच्छे हैं। डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी, बट यहाँ पे आपको 90 रिफ्रेशिंग रेट नहीं 120 रिफ्रेशिंग रेट देखने मिलेगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। आगे चिपसेट में यहाँ पे आपको जो स्नैपड्रैगन का 750G का इस्तेमाल होगा, जो पिछली बार स्नैपड्रैगन 720G था, बट इस बार स्नैपड्रैगन 750G है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, जो कंपेयर टू पहले से बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अच्छा है, मतलब अब मैं ये भी बता दूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो भाई सैमसंग के A50 के लवर्स हैं, मतलब ए सीरीज़ के डाई हार्ड लवर है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, उसलिए उनको मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ये फ़ोन लेने को, क्योंकि बहुत ओवर प्राइज है। हाँ, मगर जिनको अगर ये फ़ोन चाहिए, यही चाहिए, तो उनके लिए मैं बात ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे कैमराज के बारे में। तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, F1.8 अपर्चर का होगा, अल्ट्रा वाइड डेप्थ माइक्रो लेंस, जैसा आपको A52 4G मिला था वैसे ही मिलेगा। सेल्फी में 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी मिल जाएगी सेंटर पंच होल के साथ, तो ओवरऑल सेल्फी भी आपको अच्छा कैमरा देखने मिल जाएगा। बैटरी में यहाँ पे आपको जो वो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी मिलेगा, और यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिल जाएगी, तो आई थिंक ओवरऑल अच्छी बात है। तो अच्छा पैकेज आपको देखने मिल रहा है। आगे UI में एंड्रॉइड 11 आपको आउट द बॉक्स मिलेगा, एंड ये वन UI 3 के साथ रन करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वन UI 3.1 के साथ। ये बोला यहाँ पे सैमसंग का A52 की स्पेसिफिकेशन। और फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो इस फोन का जो प्राइस होने वाला है ये 30,000 रुपये होने वाला है, हाँ 29,999 रुपीज़। और अगर आप देखते हो 26,500 रुपये में 4G आता था, अभी 3,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने मिल रहा है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। मतलब फ़ोन तो ओवर प्राइस है, बट मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो भाई सैमसंग के फ़ोन चाहिए और जिन्हें A50 सीरीज ही चाहिए, तो उनके लिए आई थिंक 3,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो 5G मिलेगा, स्नैपड्रैगन 750G मिलेगा, जो स्नैपड्रैगन 720 से भी बेटर है, 120 Hz डिस्प्ले मिल जाएगा, 5G मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 5G देखिए, मैं समझता हूँ इतना पैसा हम पे कर रहे हैं तो हमें 5G मिलना चाहिए। अगर आप 10-15 हज़ार दे रहे हो, 4G मिल रहा चल जाता है, मैं भाई आप 26,500 दे रहे हो मगर आपको 5G नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को 5G मिलना चाहिए, तो 30,000 रुपये में अच्छे से 5G ले लो, लॉन्ग टर्म आपका अच्छे से चल जाएगा। तो कमेंट कर बताओ कि आप लोग क्या लगता है। एंड फाइनली मैं बात कर लेता हूँ लॉन्च डेट के बारे में। तो भाई देखिए, ऑफिशियल अभी सैमसंग की वेबसाइट में आ गया था, तो भाई अब इतना चांसेस है कि ये मई के मंथ में ही लॉन्च हो जाए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो ही रहा है इसका कब से फ़ोन का, तो इसलिए हाँ ज़्यादातर चांसेस हैं कि मई में आपको इंडिया के अंदर देखने मिलेगा। और मई नहीं होता है तो क्योंकि बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, अगर मई नहीं होगा तो जून तो डेफिनेटली होगा। तो अगर इंतज़ार करो अगर कर रहे हो तो, क्योंकि अच्छा फ़ोन होने वाला है, बढ़िया है, 3,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने में आपको बहुत कुछ देखने मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको ज़रूर से इंतज़ार करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक हम नहीं किया है आपने, और कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय, आपको सैमसंग के A52 5G के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और मेरे पर्सनल यही राय है कि अच्छा फ़ोन है, मतलब जिनको भाई सैमसंग A50 चाहिए सीरीज ही चाहिए, तो उनके लिए अच्छा फ़ोन है। और 30,000 रुपये में आपको अपडेट करोगे तो 3,500 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी फ़ोन के अंदर देखने मिल जाएंगी। तो आप लोग का वेट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जाकर 4G लेने से बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन 720G बिल्कुल भी मतलब बढ़िया नहीं है। तो आई थिंक ये इसका इंतज़ार कर लोगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, मगर अगर आप जो है कि स्नैपड्रैगन 750G वाले लेते हो तो बढ़िया बात रहेगी। बस गाइस, इस वक्त बस इतना ही, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।